गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं काम पे आगरा फोर्ट के पास में। तो अभी जाऊंगा मैं आगरा फोर्ट के अंदर में और देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ देखने के लिए, क्या चीज़ दिखाने के लिए, और दूसरा क्या अंदर जाके बताऊँगा, है ना। और ताजमहल का और आगरा फोर्ट का जो डिस्टेंस है बीच का, हुआ तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास में। तो इसलिए ये रोड दिखाया नहीं मैंने, क्योंकि दिखाना कोई फ़ायदा नहीं था, वही सेम रोड है। तो अभी मैं जाता हूँ इसके अंदर में और एज यूजुअली मेरा सारा सामान रखवा लिया, सिर्फ कैमरा ही दिया यहाँ पे। चलो अंदर की चलते चलते हूँ। आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ एफर्ट्स यार मेरा दूसरे फ़ोन नंबर को यहाँ पर धोखा दे दिया, क्योंकि उसे मेरी सारी स्टेटरी चीज़ें हैं, सिम चेंज की, वो चेंज किया। तो उसके बाद में जाके मैंने पेमेंट किया, अब टिकट भी हो गई, सब चीज़ हो गई है। अब जा रहा हूँ मैं कहाँ पे एंटर करने जा रहा हूँ, रेड फोर्ट के अंदर में। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ले देता हूँ अभी उधर। इतनी दूर तक आया तो सही में, मैंने सोचा था कि अच्छी अच्छी तस्वीरें लूँगा, अच्छी अच्छी फ़ोटो लूँगा। तस्वीरें फ़ोटो एक ही बात होती है, मतलब फ़ोटो या वीडियो बनाऊँगा, लेकिन हाथ में थमा दिया यहाँ पे कैमरा। सच बोलते हैं कभी कभार जो सिचुएशन होती है वो कभी कभार सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंगली बिल्कुल नहीं चलती है ना, और कभी चल भी नहीं पाएगी। अब ये जो पूरा एरिया देख रहे हो आप लोग, ये एरिया पूरा एरिया जो है एनिमल को रखने का एरिया है। यहाँ पर उस टाइम पे जो भी एनिमल्स होते थे जो वो लोग यूज़ करते थे, जैसे कि घोड़े हाथी वगैरह जो भी होता था वो यहाँ पर रखते थे उसको, और यहीं पे उनकी देख रेख करते थे इस पूरे एरिया में। हम सब ने जहांगीर के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। अब मैं जहांगीर की एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप देख के हंसेंगे तो ज़रूर, और मे भी सरप्राइज हो जाए। हम पता क्या दिखाता हूँ, क्या ये सामने है जहांगीर का नहाने वाला टब, इसमें गोते मारता था जहांगीर। नहीं यकीन आ रहा ना, तो देख दिखाता हूँ। जहांगीर बात टब, ये जहांगीर का पार्ट टब है इनसाइड। अमेजिंग है, नहीं पुरानी पुरानी चीज़ें देख के, पत्थरों से बनाई हुई हर चीज़, सब चीज़ देख के एक अलग ही फीलिंग मिलती है इन चीज़ को देख के, और एक बनावट देख के। पुराने आदमी यार वैसे टैलेंटेड थे बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर जो है हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंदर हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो जहाँ पर मुजरा हुआ करता था उस टाइम पे, वो खाने पीने की जगह जहाँ पर वो लोग बैठ के खाया करते थे, और किस जगह बैठ के वो लोग मुजरा देखे करते, और मुजरा किसके साथ में बैठ कर देखे करते, उनके जो भी राजा सैनिक और जो भी देखने के लिए करता था उस टाइम पर, वो लोग अभी देखेंगे हम जाके। अब
आप लोग ये जो पूरा हॉल देख रहे हैं, इस पूरे हॉल में जो है मुजरा वगैरह कैसा होता था, और जो बगल में जो आप गैलरी वगैरह देख रहे हैं जिसको आज के टाइम में गैलरी बोलते हैं, वो पूरी गैलरी जो है खाने पीने के लिए यूज़ और डाइनिंग टेबल के लिए यूज़ होती थी, और ऊपर बैठ के जितने भी रहने थे वो सब देखते आ करते थे मुजरा। वो उस तरफ सामने यहाँ से ताजमहल है, मतलब कि मतलब कुछ नहीं, क्या आया था दिमाग में याद भूल गया मैं, हाँ बताता हूँ थोड़ी देर में याद करके दोबारा से। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये उस टाइम पे एयर कंडीशन रूम था। अब आप सरप्राइज होंगे कि उस टाइम पे एयर कंडीशन रूम कैसे, क्योंकि उस टाइम में इसी जगह पर आके राजा महाराजा जो भी यहाँ पर रहता था वो ठंडी हवा में यहाँ पर आनंद लेता था। वो ऐसा क्यों था, ये जो दीवारें आप लोग देख रहे हैं ना, इन दीवारों के बीच में पानी भरा जाता था, मतलब कि दो दीवारें बनाई जाती थी और उन दो दीवारों के बीच में पानी भरा जाता था, और जो पानी था वो ठंडा रहे इसके लिए खिड़कियां खुली छोड़ी जाती थी, ताकि वो हवा जो है अंदर की तरफ वो उस पानी को ठंडा करके रखे, और जैसे ही वो हवा पानी से होके गुजरती थी वो इस पूरे कमरे को ठंडा करके चली जाती थी। इसलिए यहाँ पे जो इस रूम है इसको एसी रूम बोला जाता है आज के टाइम में, उस टाइम पे ये ठंडा रहता था। उस टाइम पे किले की सिक्योरिटी की जाती थी, पहली रूम में लगते थे ये लोग मगरमच्छ को, और दूसरी रूम में लगते थे वाइल्ड एनिमल्स को, जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा इस वीडियो के। आप सब ने झरने तो देखे ही होंगे, झरने मतलब वो वाले नहीं जो पहाड़ों से निकलते, जो पाइप के द्वारा से निकलते झरने वगैरह, मेरे से वो याद है कि वही अब यहाँ पे उन्हीं झरनों का यूज़ किया गया है। अब आप देखेंगे इस पूरे के यहाँ पे जो VIP लोग जाते थे उनको बैठा के यहाँ पे मेहमान नवाजी की जाती थी, और इन झरनों से यहाँ से पानी निकलता था। अब उस टाइम पे मोटर वगैरह तो हुआ करती नहीं थी, तो वो लोग बड़े बड़े प्रेशर से पानी छोड़ते थे इन झरनों में, वाटर स्टोरेज में से। अब ये जो है ये शाहजहाँ का बेडरूम। अब इस पूरे बेडरूम में गोल्ड के द्वारा बनाया गया पेंट, गोल्ड से यूज़ हुआ वाला पेंट इस पूरे गोल्ड में किया गया था, लेकिन जब ब्रिटिश लोग इंडिया के अंदर में आए थे तो उन लोगों ने क्या किया, इस पूरे यहाँ पे आग लगाई, और आग लगाने के बाद में जो भी गोल्ड था उसको यहाँ से इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद यहाँ से ले गए। शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को यहाँ पर 8 साल के लिए बंदी बनाया था, और वो इसीलिए बनाया था बंदी उसने, क्योंकि वो ब्लैक स्टोन का एक ताजमहल बनाना चाहता था अपने लिए, इसीलिए बंदी बना। तो पिछले 8 तक यहाँ पर 7 साल तक उसको सारी फैसिलिटीज़ मिली, लेकिन यहाँ से वो बाहर नहीं जा सकता था, जो भी वहाँ पर राज की फैसिलिटीज़ होती थी
उसके पिता को यहाँ पे मिली और यहाँ के बीच में इस पूरे एरिया में पानी भरा जाता था ताकि वो स्नान करता था यहाँ से, और ये उसके सारे रूम वगैरह थे सब चीज़ थी यहाँ पे, उसको अच्छी खासी फैसिलिटी थी यहाँ पे। तो अभी मूव करते आगे, आप लोग ये वीडियो देख पिक्चर देखिए। अब ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया होता था मीना बाज़ार के लिए। मीना बाज़ार उस टाइम का मशहूर था जहाँ पे VIPs के लिए और जो सिर्फ पर्सनल जो थे, क्या बोला जाए उनको, रिलेटिव्स जिनको बोला जाता था, उनके लिए पे मीना बाज़ार लगता था। और यहाँ से दूर वहाँ पे आप देख सकते हैं ताजमहल। गोपुर में तो दिखाएगा नहीं, मैं आपको फ़ोन से दिखाता हूँ यहाँ पर। खड़े हैं यहाँ पे आगरा फोर्ट में, और आगरा फोर्ट में खड़े हैं तो यहाँ से जो ताजमहल का जो व्यू है ना, यहाँ से डायरेक्ट दिखता है, जैसे कि फ़ोन में या वीडियो में देख भी रहे हो आप। अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये देखिए, ये जो ताजमहल है ना, पूरे यहीं से दिखता है। मतलब ये है कि आपस में एक दूसरे के पास में ही है दोनों चीज़ें, और कुछ नहीं है। दीवाने खास, अब आप उसको उस टाइम का पार्लियामेंट ही लगा लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे मॉर्निंग में ताजमहल के ताजमहल बोल रहा हूँ, वहाँ पे इस आगरा फोर्ट के अंदर मॉर्निंग में मीटिंग हुआ करता था और शाम में यहाँ पे हुआ करता था। इस पूरे एरिया में जो भी थे उनके राजा प्रजाजा जो भी थे, उसके सैनिक वगैरह जो भी यहाँ पर बैठा करते थे, मंत्री वगैरह जो भी थे वो यहाँ पर बैठा करते, और यहाँ पर जो है पार्लियामेंट चलते थे उनके शाम के टाइम में। ये गैलरी है इस पूरे फोर्ट की, और इसी गैलरी से वो लोग जो है मीना बाज़ार जो कि मुर्जा हुआ करता था, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ से वो लोग खड़े होकर बैठ करके पूरा यहाँ पे मुर्जा वगैरह देखा करते करते थे यहाँ से। अब उस टाइम पे इस एरिया में नमाज पढ़ी जाती थी, किनके द्वारा से, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा से। जो महिला राजा के लिए या जो पर्सनल थी राजा के लिए, उन सब महिलाओं के लिए ये पूरा एरिया था, और इस पूरे एरिया में वो लोग जो है नमाज पढ़ा करते थे। मैंने पर्सनल वर्ड का यूज़ इसलिए किया यहाँ पे, क्योंकि मैं एक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता अपनी वीडियो में, इसलिए मैंने उसका यूज़ किया। तो इस मंजिल को आप देखिए, मैं तब तक मूव करता हूँ आगे की ओर। यार थक गया यार मैं, मतलब बोल बोल के और चल चल के, एक तो गर्मी इतनी है, इससे ज़्यादा गर्मी है यार। और दिखा रहा हूँ ऊपर से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बोल है, लेकिन पुरानी चीज़ें देख के एक तो चीज़ का एहसास होता ही है कि लोगों के पास में टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्ती उस टाइम पे, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें देखोगे ना, ये सब हाथों से बनाया हुआ है, ये सब चीज़ हाथों से बनाई हुई है ना। और ये पूरा जो पार्क है उस टाइम पे इसको यूज़ किया जाता था पूजा के लिए, एक्सेसरीज चीज़ों के लिए, जैसे कि भंडारा हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आते थे दरबार बैठाने के लिए पंडितों के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। चलो मैं चलता हूँ यहाँ से, वृंदावन निकलता हूँ, जो सीकरी फोर्ट था वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वो भी सेम ऐसा ही होगा, तो निकलता हूँ यहाँ से।
यहाँ से बैठ के आनंदित महसूस क्या करते थे वो लोग, वाह 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 क्या करते थे यहाँ से, क्या बात है यहाँ पे। शीश महल, अब ये जो है राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाया था इसको। यहाँ पे रानियाँ जो थी उनकी वो आकर के यहाँ पर नहाया करती थी। दो उनकी रानियाँ थी, दोनों रानियाँ यहाँ पर आया करती। अब मेरे को नाम याद नहीं है उनका, नहीं तो मैं बता सकता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये रानियों के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ पर वो शीशे निकाल के ले जाता है यहाँ से, इसीलिए ये बंद है। तो अभी हम मूव करते हैं। ये जो पूरा बगान देख रहे हो ना, इस पूरे बगान में उस टाइम पे वाइन वगैरह अल्कोहल वगैरह जो है प्रोड्यूस की जाती थी। अब इसके पीछे टेक्निकल या फिर क्या बोलते हैं साइंटिफिक रीज़न तो नहीं पता मेरे को, लेकिन कुछ गाइडों से पता चला मेरे को यहाँ पर वाइन जो है ना उसको बनाया जाता था यहाँ पर। यार उस टाइम पे वाइन भी बनाते थे यहाँ से, तो पीते थे मज़े से। जैसे कि मैंने पहले बताया था अंगूरी बाग, वाइन वाला बाग, यहाँ पे वाइन बनती थी अंगूर की। अब ये है पूरा पार्क, इस पूरे किले का पार्क है यहाँ पे, मतलब का पूरा एरिया यहाँ पे, अच्छा खासा एरिया ये। तो देखो एंजॉय करो और मौज करो, एंजॉय। हम सभी ने जोधा अकबर की पिक्चर देखी होगी, तो जोधा अकबर पिक्चर में जो सीन था ना, जो दो गुना लगान जो वसूलते थे, तो अकबर साहब जो थे वहाँ बैठे थे, और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जो है उस मुजरिम को पकड़ा गया था, और अकबर ने यहीं से उसको कड़ी सजा दी थी। तो ये जो जगह है ये वो जगह है पिक्चर में आप देखे जाते हैं सेम एज इट इज़, वैसे ही है ये ऋतिक रोशन और ऐश्वर्य राय की पिक्चर जो है। और यार एक बार सब ग्रुप फोटो ले लेगा। हाँ
हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्त मिले मेरे को हेलो। ये सब इन्होंने मेरी एक वीडियो बनाने में हेल्प किया। माय नेम मिथुन चक्रवर्ती फ्रॉम बिहार। लालू कुमार सोनी फ्रॉम भागलपुर बिहार। बहुत मजा आ रहा है, घूमने के लिए बहुत मजा आ रहा है मुखर्जी नगर। अभी मैं इन सबको अपने चैनल में लूँगा और ये सब भाई जो है मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब पे। थैंक यू। चलो यार, अब यहाँ से एग्जिट करता हूँ क्योंकि काफ़ी थक गया हूँ और बहुत तेज़ प्यास भी लगी मेरे को यार। पानी नहीं पिया ना आज तो। इस पूरे किलर को देख लिया मैंने, चलते हैं। कहाँ पे? प्रेम मंदिर में। कहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण की नगरी में चलते हैं। आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दिस। तुम प्रेम हो। अब यहाँ से ख़त्म होता है इस किले का सिलसिला और इस तरफ से शुरू होता है अपनी बसंती की तरफ जाने का सिलसिला, यानी कि अपनी बाइक के बाद जा रही सिलसिला। तो यहाँ से चलते हैं, गाँव एंड करते हैं और चलते हैं। कहाँ पर जाएंगे? वृंदावन। एंट्री एग्जिट सेम। अपना इंडियन फ्लैग फहराते हुए पूरे शान शौकत से। और अब आता है इस किले के एंड के बारे में। अब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये उस टाइम पे पूरा पानी से भरा रहता था और पूरा पानी के भरे रहने के कारण से इसमें छोड़ जाते थे मगरमच्छ, ताकि उस टाइम पे जो भी दूसरे जो आक्रमण करने के लिए आते थे ना, कोई भी आ जाता था आक्रमण करने के लिए उस टाइम पे, तो इस किले को एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते वो मगरमच्छ और ये पानी, ताकि कोई भी ईजिली इसके अंदर में एंटर ना कर पाए। इसीलिए इसका पूरा ऊपर तक इसको इतना लंबा बड़ा बनाया गया है। और चारों तरफ अगर मैं उस तरफ में लेकर के जाऊँगा तो उस तरफ में भी सेम एजिटी पानी, और पानी के साथ मगरमच्छ छोड़ जाते थे यहाँ पर। पूरे किले के चारों तरफ में ये बना हुआ है ऐसा ही सेम एजिटी, सिर्फ और सिर्फ पानी को स्टोर करने के लिए और पानी डालने के लिए, ताकि मगरमच्छ रहे उसमें और इस किले को जो है कोई पार करने पाए और कुछ ना हो इस किले को सेफ्टी के लिए। चलो यार, किला छोड़ दिया मैंने पीछे और अब मैं आ गया हूँ अपनी पार्किंग में बाइक लेने के लिए। तो इस ब्लॉग नंबर 2 को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग नंबर 2 देखने के लिए। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, वही किसी पुटी पुरानी लाइन, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, अगर एडवाइस देना चाहें तो एडवाइस दीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।